एक झटके में सड़क हुई दफन, लगातार राहगीर हो रहे घटना का शिकार। एक और विकास का पहिया दौड़ रहा तो वहीं विकास बना काल। जय हिंद, आप देख रहे हैं मित्रपे टीवी। आज बेहद गंभीर मुद्दे पर प्रकाश देखने को मिलेगा, जहां आपका एक शेयर एमपी विकास की हकीकत को जिम्मेदारों तक पहुंचाने में मदद करेगा। आज का मुद्दा बेहद गंभीर है, जहां गली गली केंद्र की योजना अनुरूप घर घर खेत खेत पानी के लिए पाइपलाइन लगाई जा रही, वही सड़क को खंडहर करके अमेरिका से बेहतर सड़कों का जाल बिछाने वाले प्रदेश में ठेकेदारों की मनमानी किस कदर हावी है, जो जन जन के लिए अपकाल बन गया। पूरे प्रदेश भर में जिस तरह से विकास किया जा रहा, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण सड़कों पर काल को आमंत्रित किया जा रहा, सड़कों को तोड़ा जा रहा, मिट्टी फैलाई जा रही, लेकिन उस सड़क की ना तो मेंटेनेंस किया जा रहा, ना तो फैली मिट्टी को हटाया जा रहा। वहीं बरसात मौसम होने की वजह से सड़कों में फैली मिट्टी के कारण राहगीर दुर्घटना का शिकार बन रहे हैं। जनता का सेवक कहे जाने वाले ना तो जनप्रतिनिधि कुछ बोलने को तैयार हैं, ना जिम्मेदार अधिकारी, जिसके कारण ठेकेदारों का हौसला लगातार बुलंद है। ये तस्वीर कहीं और की नहीं, बिंद क्षेत्र अंतर्गत नई गढ़ी का है, जहां जगह जगह सड़कों के किनारे पानी की पाइपलाइन डाली जा रही, लेकिन तोड़ी गई सड़कों का मेंटेनेंस तो दूर, मिट्टी तक की सफाई नहीं की जा रही। वहीं किसानों के खेत को खोद कर खंडहर कर दिया गया, जिसके कारण किसान खेत की जुताई तक नहीं करवा पा रहे। जरा सोचिए, गरीब और किसान हितैषी दावा करने वाली सरकार के कार्यकाल में यह कैसा विकास। इस विकास को विकास कहूं या फिर विकास के रूप में जो बहुरूपिया है विनाश, उसका नाम दूं। इस विकास को लेकर के आप क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना भूलें। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लेते हैं विदा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।